संस्कृत हमारे जीवन से जुड़ी हुई भाषा तो है ही, हमारे मृत्यु के बाद भी संस्कृत हमारे पूर्वजों को और जो हमारे मृतक प्राणी हैं उनको तारने वाली भाषा भी मानी गई है। पूरे विश्व में आज संस्कृत के लिए अनेक प्रयास हो रहे हैं, क्योंकि अभी पिछले दिनों जो मंगल अभियान हुआ इससे पूरा विश्व भौचक है, भारत की सफलता को लोग पहचान नहीं पा रहे हैं। और जब नासा के वैज्ञानिकों ने ये प्रयास देखा भारत का एक ही बार में सफल होना, तो उन्होंने इसका अध्ययन कराया अपने वैज्ञानिकों से, और वहाँ के वैज्ञानिकों ने एक स्वर से ये स्वीकार किया कि विश्व में जो जिन कक्षाओं में हम अपनी अपनी कक्षाएं स्थापित कर रहे हैं वहाँ पर किसी भी यान को भेजा जाए उससे पूरी दुनिया में संपर्क भाषा के रूप में एकमात्र कोई भाषा कंप्यूटर के माध्यम से उभर कर सामने आ रही है तो वो संस्कृत भाषा है। और इसीलिए पूरे विश्व में समान रूप से संस्कृत के अध्ययन अध्यापन की व्यवस्थाएं प्रारंभ हुई हैं। यह रोजगार से जुड़ी हुई भाषा तो है ही, जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां संस्कृत का प्रवेश न हो। हम सामान्य जीवन से ही यदि देखें तो हमारे संस्कृति और संस्कार बिना संस्कृति के, संस्कृत के और इस भाषा के हम उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। हमारा जीवन प्रारंभ होता है पृथ्वी को प्रणाम करने से लेकर हम अपनी माँ को और इस पृथ्वी को भारत माँ कहते हैं, तो ये संस्कार पूरी दुनिया में फैलाने का श्रेय यदि किसी एकमात्र भाषा को है तो वो संस्कृत भाषा है। रोजगार के क्षेत्र में चाहे आप सेना में जाएं, चाहे आप इंजीनियरिंग में जाएं, चाहे आप डॉक्टरी में जाएं, चाहे आप भाषा के किसी भी अनुवादक इत्यादि पद पर जाएं, पत्रकारिता में जाएं, बैंकिंग में जाएं, हर क्षेत्र संस्कृत के लिए खुला हुआ है, इसलिए इसको हम लोग संपूर्ण भाषा का रूप दे सकते हैं। मैं संस्कृत भारती जैसे और भी जो संगठन हैं जो संस्कृत के प्रचार प्रसार में संलग्न हैं उन सारे संगठनों में अपने संस्था के और अपने विद्यार्थियों के माध्यम से संस्कृत को लोकव्यापीकरण की दिशा में आगे बढ़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन और मध्य प्रदेश शासन के जो अनेक हमारे जो पर्याय हैं और उसके साथ के जो अन्यान्य संस्थान हैं, विशेषकर हमारा महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय उज्जैन और महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान, हम लोगों ने एक समन्वित रूप से ये प्रयास किया है कि पूरी जनता को और पूरे संगठनों को हम जोड़कर संस्कृत को जन जन तक पहुँचाएँ, क्योंकि भारत की प्रतिष्ठा संस्कृत और संस्कृति की प्रतिष्ठा में है। ये दोनों चीज़ें यदि सुरक्षित रही तो देश सुरक्षित रहेगा, ये दोनों ही चीज़ें यदि असुरक्षित हो गई तो हम देश